हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको राइस सेवई बनाना सिखा रही हूँ। तो ये वाली मैंने राइस सेवई ली है, देखिए ये ऐसी दिखती है और आप कोई भी ब्रांड की ले सकती हैं। पानी को खूब अच्छे से गर्म उबालना है, फिर स्विच ऑफ करके उसमें आप ये डाल दीजिए राइस सेवई और ढक्कन लगा दीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर वो कुक हो जाएगी, फिर वो आप छान लीजिए ताकि पानी पूरा निकल जाए। तो ये मैंने कढ़ाई में घी लिया है, सबसे पहले मैं इसमें राई डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपके पास राइस सेवई नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज बॉइल्ड राइस, कोकोनट राइस बन जाएंगे। तो ये राई, ये चने की दाल है और ये उड़द दाल है, तो मैं दोनों डाल देती हूँ। इन्हें हमें ब्राउन, मतलब हल्का सा ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। ये मैं हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी। इसी में मैं टुकड़े किए हुए सूखी लाल मिर्ची, अब टुकड़े नहीं करना चाहिए तो साबुत पूरी की पूरी डाल सकते हैं। हल्का सा हम इसे ब्राउन करेंगे दाल को। आई एम नॉट बेसिकली अ कोकोनट फैन, बट देन आई लव दिस कोकोनट फ्लेवर्ड राइस अ लॉट। वेरी लाइट, हेल्दी एट द सेम टाइम, बहुत फ्लेवरफुल होता है। और गर्मियों में ना ये सब खाने में बड़ा मज़ा आता है, कि ज़्यादा ये हैवी नहीं है, हल्के हल्के हैं। सो ये देखिए, ये अभी हुए नहीं है, इसे अ मिनट और टू। सो ये मेरे ब्राउन हो गई हैं दालें। अब मैं इसमें काजू डाल रही हूँ, हल्के से इनको ब्राउन करेंगे। गैस सिम पे रख के काम कीजिएगा, नहीं तो ये सब जल्दी जल्दी ब्राउन होके जल जाएंगे। तो हल्का सा बस ब्राउन करना है। कड़ी पत्ता हो तो प्लीज़ यूज़ कर लीजिएगा, आई डोंट हैव सो आई एम नॉट यूजिंग। थोड़ा सा बस कैशनट्स ब्राउन हो जाए तब तक हम वेट करेंगे। मैंने ये मिर्चें इसलिए तोड़ी है बिकॉज मैं इनके बीज निकाल दिए मैंने, जस्ट इन केस गलती से अगर बीज बाहर आ गया, माइकी डो उसको तीखा ना लग जाए। मैं क्या करती हूँ, ये जो क्रिस्पी चिलीज है मैं उनको क्रश करके उन्हीं चावलों पे डाल के खाती हूँ, टू सेटिस्फाई माई यू नो कि मुझे तीखा पसंद है। तो ये हमारे ये भी जल्दी ब्राउन हो रहे हैं कैशू नट्स। आप होल कैशू नट्स भी ले सकते हैं, कि मेरे पास टुकड़ी है तो आई एम यूजिंग दैट। तो ये भी काफ़ी ब्राउन हो गए हैं। अब ये मैंने कोकोनट है जिनकी ब्लैक स्किन उतार के धो के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े करके ग्रेट कर लिए थे कुकर में, सॉरी मिक्सी में। तो ये मैं कोकोनट डाल देती हूँ इसमें और हम हिला लेंगे, नहीं तो कोकोनट जल जाएगा। मैं गैस इनफैक्ट स्विच ऑफ ही कर देती हूँ क्योंकि अपनी गर्माहट से ही ये कोकोनट को कुक कर देगा बड़ा लगा। लॉट ऑफ टाइम यू नो कोकोनट को शेल को निकाल के, फिर उसकी एक और जो कवरिंग है उसे पील करके, फिर इनको धो के, दे गॉट वेरी टायर्ड। बट इन साउथ दे हैव अ स्क्रेपर, बहुत ही सिंपल। आप कोकोनट के 2 टुकड़े कीजिए और स्क्रेपर में ला के ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तो स्क्रेप होके ऐसा निकल आता है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द शेल एंड द स्किन। तो ये देखिए, गैस स्विच ऑफ है, हिलाते रहिए नहीं तो कोकोनट चिपक के जल जाएगा, क्योंकि मेरा कढ़ाई बहुत गर्म होता है, स्टील का है, इसीलिए मैं इसे हिला रही हूँ। अब मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देती हूँ। ऑलवेज यूज फ्रेश कोकोनट, टेस्ट उसी से आएगा। मैंने खूब सारा कोकोनट लिया आज। तो ये मेरी राइस सेवई जो उबाल के मैंने छान ली थी ठंडी होने के लिए। ये मेरी अभी भी गर्म है पर आप अच्छे से ठंडा करके यूज कीजिएगा,
इन्हें हम धीरे धीरे इसमें हल्के हाथ से हिला देंगे, नहीं तो हमारी सेवई टूट के चिपक के आटा बन जाएगा। आप यही चीज़ चावल के साथ भी कर सकते हैं। चावल उबाल दीजिए एक थाली में, स्प्रेड करके आप उसे 15-20 मिनट पंखे के नीचे रख देंगे तो चावल ठंडे हो जाएंगे। एंड देन यू कैन मिक्स दिस इन द राइस। ये गर्म नहीं खाया जाता, ये ठंडे ही खाया जाता है रूम टेम्परेचर। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, किड्स लव, मोस्ट ऑफ द किड्स लव कोकोनट फ्लेवर। आप इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकते हैं अपने फ्लेवर्स के लिए। एंड क्योंकि मैं रह नहीं सकती, मैंने डाल दिया धनिया। यू कैन टोटली अवॉइड द ग्रीन धनिया, क्योंकि कोकोनट का है तो धनिया की ज़रूरत ही नहीं है। कड़ी पत्ता अगर होता है तो बहुत अच्छा कलर दे देता है वाइट एंड रेड का, बट आई लव धनिया। सो ये मैं अच्छे से मिलाते हुए, सो ये देखिए मैं राइस सेवई बन के तैयार है। राइस सेवई इज समथिंग विच इज़ वेरी वर्सेटाइल। आप इनको उबाल के, आज मैंने कोकोनट फ्लेवर बनाया, आप लेमन राइस जैसे बनते हैं उसी तरीके से लेमन राइस सेवई बना सकते हैं, टोमेटो राइस सेवई बना सकते हैं, मसाला राइस सेवई बना सकते हैं। सो लॉट ऑफ वराइटीज विच यू कैन प्ले अराउंड विद दिस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। राइस सेवई इज ईजीली अवेलेबल एट एनी साउथ इंडियन स्टोर्स। सो बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।